दोस्तों, बीमारी से बचें, नहीं तो सभी पैसा बीमारी में लग सकता है और आप हाथ मल करके बाद में रहोगे। इसीलिए सब बीमारी के बारे में हम बताते हैं, वो एक एक करके जरूर सीख लें दोस्तों। सवाल नंबर 1, किडनी खराब क्यों हो जाता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, दही नहीं खाने के कारण किडनी खराब होती है। इसीलिए सीजन में दही गर्मी के मौसम में जरूर खाना चाहिए कि शरीर में गर्मी पैदा बिल्कुल ना हो दोस्तों। सवाल नंबर 2, घर में माता लक्ष्मी कब आती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, खूब पूजा पाठ करने से और कराने से पंडित से लक्ष्मी माता जो है वो स्वयं घर में आकर के निवास करती है। इसीलिए पूजा पाठ जो है वो खूब करना चाहिए दोस्तों, जहां भी रहें करें। सवाल नंबर 3, घर में माँ तुलसी जी का पेड़ रखने से क्या फायदा मिलती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसका सही आंसर है, घर में 1000 आने वाली बीमारी जो है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए कोई भी आदमी को घर में तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं, इससे 1000 बीमारी नष्ट होती है दोस्तों। सवाल नंबर 4, शरीर में खून की कमी होने पर क्या खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, खून की कमी जब शरीर में हो जाए तो अनार हर रोज 2 खाना चाहिए। इससे शरीर में खून बनता है और नए संचार बनती है, नहीं खाने पर खून बिल्कुल नहीं बनती है। सवाल नंबर 5, पूजा पाठ नहीं करने पर क्या होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है, घर में बरकत नहीं होता है और लक्ष्मी माता घर से भाग जाती है। इसीलिए दोस्तों आप लोग उसे हाथ जोड़ करके, मैं विनती यही करूंगा और करता हूं कि आप लोग जहां रहें वहां पूजा पाठ करते रहें कि घर में माता लक्ष्मी जो है वो स्वयं आकर के निवास करें। थैंक यू मेरे भाइयों, वीडियो पसंद आई तो शेयर करें।